नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आपको बता दें, जहां पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं रायपुर सनोरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुए घोटाले की जांच में प्राचार्य जय श्री कृष्ण उपाध्याय सम्मिलित बताए जा रहे हैं, जहां पर आज जांच टीम प्रभा पांडे उपस्थित रही और ललित मिश्रा इसी कारण में उपस्थित उप जांचकर्ता प्रभा पांडे से कुछ जानकारी दी गई। उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि मैं आज दूसरी बार आई हूं, उससे पहले इनको 19 तारीख की डेट दी गई थी और 23 तारीख को जहां पर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, मैंने आज इनको लिखित में दी थी जानकारी, नोटिस वो नहीं ले रहे हैं। प्राचार्य जय कृष्ण उपाध्याय ने साफ मना कर दिया। लगभग 10 किलोमीटर के अंदर की मानी जानी हर सेकेंडरी स्कूल है, आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ के छात्राओं का बाथरूम और पानी की व्यवस्था और कमरों की हालत क्या है। कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से खास बातचीत हुई, जैसे ललित मिश्रा, कमांडो अरुण कुमार गौतम, शैलेश मिश्रा, ब्रज बिहारी गौतम, लोगों से कुछ खास बातचीत हुई। उन्होंने जानकारी दी इस विद्यालय के बारे में। प्राचार्य जी ने अभी कहा गेट लगवाया हूँ, गेट पुराना है, गेट तीन गेटों को तुड़वा करके एक गेट लगवा दिए, बता दिए कि मैं लगवाया हूँ। तीसरी चीज, ये तो स्कूल की फंडिंग रही होगी, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। जो आज कैश बुक या वाउचर नहीं दिया जा रहा है, लगातार 16 तारीख से लगातार जांच टीम प्राचार्य के पीछे घूम रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें इतनी बड़ी तानाशाही प्रदर्शित हो रही है। और मैं शासन से ये चाहूँगा और मैं मीडिया के माध्यम से ये चाहूँगा कि सबसे पहले अगर जांच वास्तविक में जांच, उनको समय दिया, आज दे दिया, हाँ दे रही हूँ, तो वो नहीं ले रहे, नहीं ले रहे हैं, वापस कर दी, बोले मैं कल दे दूँगा, मतलब उनकी मर्जी से भी आपने दिया फिर भी वो नहीं ले रहे हैं। धन्यवाद। हमें बुलाया, इनसे इनको बुलाया, ये गए, इन्होंने मतलब शिकायत को, जांच को गुमराह करने के लिए सब स्टाफ सबके लोगों के नाम नोटिस कटवा दिया। कौन ये किए? ये प्राचार्य रायपुर जी, उपाध्याय जी ने और इसके बाद हम जब वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि अभी हमें कागज़ नहीं मिला है, जब हमें कागज़ उपलब्ध हो जाएगा तो हम जांच करेंगे। ये बीओ ने कहा और आज दिनांक तक इन्होंने बीओ साहब से कहा कि कागज़ हमारा ऑडिट में गया है, ऑडिट में 3 तारीख को कागज, 1 तारीख को कागज लगा, लेकिन आज दिनांक 23 तारीख तक मतलब बीओ साहब को कागज नहीं उपलब्ध कराए गए। जाँच हमारी मतलब कलेक्टर साहब की दी हुई, बीओ साहब के हाथ की, वहाँ से अभी तक यहाँ नहीं आई, अभी तक नहीं आई। तब ये दूसरी जांच है, कलेक्टर साहब ने समिति बना के और जांच किया और कहा है कि शिकायतकर्ता के समक्ष सारे दस्तावेजों और प्रमाणित हों। जो आज जांच करता आए थे, के लिए जांच करता है, तो जांचकर्ता यहाँ पे आए तो क्या मिला आप? 16 तारीख को जांचकर्ता आए, 12 तारीख को हम लोगों को नोटिस दे दी गई कि 16 तारीख को आप लोग विद्यालय में उपस्थित रहिए। 16 तारीख को जब आए तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कागज़ हमारा नहीं बना है। फिर 19 तारीख को डेट दी गई, 19 तारीख को डेट में दिया गया कि हम कैश बुक और सारे दस्तावेज आपके यहाँ पहुँचाएँगे, आप चेक करके और शिकायतकर्ता के कहाँ पहुँचाएँगे? चाक घाट में क्या है? चाक घाट में शिकायत मतलब ये जांच टीम की प्रभारी है उनके पास। वहाँ से वो कहीं बोले कि शिकायतकर्ता के समक्ष हम सारे चीज़ों का अनुमोदन हो जाएगा जी। फिर इन्होंने 19 तारीख को कागज़ नहीं दिया, 19 तारीख को वहाँ निश्चित हुआ कि 23 तारीख को विद्यालय में जांच होगी जी, और 23 तारीख को आज 10 बजे मैडम 10:30 बजे यहाँ आ गई। हाँ, आप लोग जब 4 बजे यहाँ आए तब प्रिंसिपल साहब आए हैं, हाँ, और कोई कागज़ नहीं दिया। कुछ स्टाफ के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास प्रभार जरूर है लेकिन न कोई कैश बुक है न कोई हमारे पास ये आज के दिनांक में हाँ 23 को जांचकर्ता टीम को कुछ और जो जांचकर्ता समक्ष कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए आज कुछ भी नहीं दिए गए और जो जैसे कि हम देख सकते हैं बताया जा रहा है लगभग कि जो जांचकर्ता टीम थी प्रभा पांडे द्वारा वो प्रिंसिपल महोदय को एक नोटिस जारी कर रही थी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में आपने देखा होगा कि जिस समय प्रभा मैडम एक सीनियर प्राचार्य हैं और उपाध्याय जी जूनियर प्राचार्य हो बैठे थे, वो खड़ी होकर उन्हें नोटिस दे रहे हैं, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। क्या कहा? कि कहा कि हम दे देंगे, हमारे बात का विश्वास करिए, हम कोई लिखित नहीं देंगे और नोटिस पे साइन भी नहीं किया। साइन भी नहीं किया।
आपका क्या नाम है? हमारा नाम ब्रिज बिहारी गौतम है, हम इन्हें शिकायत की है कलेक्टर महोदय के। ये कहाँ के स्कूल है? ये रायपुर सनौरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर सनौरी है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जाँच हो और यह विद्यालय पूर्वांचल का मतलब इकलौता 20 किलोमीटर में है, इसके अलावा कोई विद्यालय नहीं है और ये 1000+ में विद्यालय है, इसके लिए शासन की विशेष व्यवस्था है जी। हाँ। धन्यवाद।